जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023। जी हां दोस्तों, ड्राइवर रिक्रूटमेंट और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट का भी काफी ज्यादा व्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता, सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और ट्रेड्समैन ड्राइवर का रिक्रूटमेंट लंबे समय से नहीं आ पाया था। लेकिन आप सभी को पता, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, साथ ही एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है, 1500 के लगभग पदों का रिक्रूटमेंट है। लेकिन यहां पर बात करने वाले हैं ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट और ड्राइवर रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, 3000 से ज्यादा पदों का एक और रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ का आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। 2023 में सीआरपीएफ के बड़े बड़े रिक्रूटमेंट जो कि लंबे समय से नहीं आ पाए थे, वो सारे रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले। तो बात करेंगे कि इस बार का जो रिक्रूटमेंट है उसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, कितनी आप लोगों की वैकेंसी होगी और कौन कौन सी पोस्टों पर रिक्रूटमेंट आप लोगों का निकलने वाला, साथ ही इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का कैसे रहने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाले। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे चैनल पर पहली बार आए, और आगे आने वाली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी को पता है दो ऐसे बड़े रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आए हैं। सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 25 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी और 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी को आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके साथ ही आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा वर्दी बैच आ चुका है, और ये वर्दी बैच आपका हेड कॉन्स्टेबल के साथ में ट्रेड्समैन के जितने भी एग्जाम है उस सभी की तैयारी आपको इसी एक बैच से हो जाएगी, जिसमें आपको आज सब्जेक्ट की क्लासे आप लोगों को दी जा रही है। उसके साथ ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक कवर किए गए, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके के सारे टॉपिक आपको बारीकी से बताया गया। और यहाँ पर दोस्तों ये सब कुछ आपको मात्र 299 रुपए में दिया जा रहा है। तो आप बेहतरीन तैयारी करके सीआरपीएफ में जो आपका भर्ती होने का सपना है वो इस वर्दी बैच के थ्रू पूरा कर सकते हैं। साथ ही एक ही बैच से आपके सभी रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के। तो देर किस बात की, अभी जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेस्ट एग्जाम का, और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दो और आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023, 3000 पदों का ही आप लोगों का रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाला है, जिसमें अगर बात करें कौन कौन से पदों पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहेगी आप लोगों की और कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अप्लाई का मोड आप लोगों का ऑनलाइन रहने वाला है। कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या एज क्रिटेरिया का, सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर के लिए। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर की वैकेंसी भी काफी लंबे समय से नहीं आ पाई है सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ में ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज है वो 27 साल तक होनी चाहिए। ये क्रिटेरिया रहेगा केवल जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप एससी एसटी है तो आप 32 साल तक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रेडमैन के लिए जिनमें आपकी एज होगी वो मिनिमम एज आपकी 18, मैक्सिमम आपकी एज 23 साल तक होनी चाहिए, ये जनरल के लिए रहेगा। ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 26 साल तक यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, और एससी और एसटी की अगर बात करें तो 28 साल तक ट्रेड्समैन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये केवल लागू रहेगा ट्रेड्समैन के लिए। जी हां दोस्तों, ट्रेड्समैन के लिए लागू रहने वाला है। अब बात करें जितने भी आपकी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए जो आपकी योग्यता रहेगी वो केवल और केवल 10th पास रहेगी। जी हां दोस्तों, 10th पास अगर आप है, चाहे आप आपके किसी भी राज्य से हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किए, आप दोनों ही पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सेकंड बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए रहने वाली है, और सबसे पहले आप लोगों का होता है यहाँ पर पीटी और पीएचटी। जी हाँ दोस्तों, पीटी और पीएचटी होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है फाइनल मेरिट लिस्ट पर। देखो अगर बात करें तो मिनिमम जो आपकी हाइट रहेगी वो रहेगी 170 सेंटीमीटर। जिन भी अभ्यर्थियों की हाइट 170 सेंटीमीटर है वो ड्राइवर और ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं या फिर आप एसटी कैटेगरी से, तो आपको हाइट में और चेस्ट में दोनों में छूट यहां पर मिलने वाली है। देखो मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन से बिलोंग करते हैं, और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही आप लोगों का जो चेस्ट है वो होना चाहिए बच्चों, जो कि फीमेल के लिए केवल मेल के लिए लागू रहेगा। और चेस्ट में आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर आप देख लीजिएगा नॉर्मली जो आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए,
5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना होगा, 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट यहां पर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में, तो बिल्कुल आप यहां पर देख लीजिएगा PET4 फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी जिसमें 18 सेकंड का समय मिलने वाला है फीमेल कैंडिडेट को, वही 800 मीटर की रेस के लिए 4 मिनट का समय मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को, जबकि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रेस होगी जिसमें 6 मिनट और 30 सेकंड का समय यहां पर दिया जाएगा। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फिट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें 3 चांस दिए जाएंगे, और मेल कैंडिडेट के लिए 12 फिट का लॉन्ग जंप होगा जिसमें भी उन्हें 3 चांस यहां पर दिए जाएंगे। अगर बात करें हाई जंप की, तो हाई जंप रहने वाला है फीमेल के 3 फिट का रहेगा जिसमें 3 चांस मिलेंगे, और मेल कैंडिडेट के लिए 3 फिट और 9 इंच का रहेगा जिसमें भी उन्हें 3 चांस यहां पर मिलने वाले। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन में कौन कौन से पदों पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट रहने वाला है और कब से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ट्रेड्समैन और ड्राइवर का रिक्रूटमेंट है, और इस बार की जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है वो 3000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में रिक्रूटमेंट आया है। और आप सभी को पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो रिक्रूटमेंट था वो लास्ट टाइम 2016 में हुआ था, और 2017 में इसका प्रोसेस मतलब रिटन एग्जामिनेशन व टाइपिंग करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद में लगातार हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है उसका इंतजार कर रहे थे बच्चे, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं आ पाया, और 2023 में आप लोगों के शुरू में ही ये रिक्रूटमेंट आ गया SCM का। और SCM में जितनी वैकेंसी मैंने आपको पहले बताई थी कि इस बार वैकेंसी आपके कम से कम 1500 तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और आप सभी को पता है 1400 प्लस वैकेंसी इस बार आप लोगों को हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल में देखने को मिली है, तो काफी बड़ी वैकेंसी है। और आप सभी को पता है ट्रेड्समैन की जो संख्या होती है वो हेड कांस्टेबल से ज्यादा होती है, तो अप्रोक्स बात करें तो लगभग दोस्तों डबल वैकेंसी आती है, और यहां पर इस बार आप लोगों की जो वैकेंसी रहेगी वो 3000 प्लस पदों पर रहेगी जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगी, जिसमें आपके कांस्टेबल कुक होगा, बार्बर होगा, स्वीपर होगा, वोटर कैरियर होगा, पेंटर होगा, कोबलर होगा, गार्डनर होगा, मतलब सभी ट्रेडों की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। और इस रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा, फिजिकल में जो अभ्यर्थी पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन, और उसके बाद में उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में उनका होगा वो होगा ट्रेड टेस्ट, और ड्राइवर वालों का ड्राइवरी टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में आपका मेडिकल होने वाला है, मेडिकल के बाद में रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद में आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट पर आधार पर फाइनली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। ये तो रहेगा आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसेस। अब बात आती है आखिर कब तक इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन सीआरपीएफ जारी कर सकती है। देखो ये रिक्रूटमेंट है ये सीआरपीएफ खुद करवाने वाली है, और इस बार आप लोगों का एग्जाम भी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि आप सभी को पता हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, और ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, लेकिन इस बार बदलाव करके सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन कर दिया और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो हो सकता है आप लोगों के भी एग्जाम ऑनलाइन ही इस बार सीआरपीएफ कंडक्ट करवा सकती है। अब देखो आप लोगों को बता दूं अभी 25 जनवरी तक हेड कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी है उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू है, और जैसे इनकी लास्ट डेट चली जाएगी उसके बाद में आपको ट्रेड्समैन का एक बड़ा बम्पर रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि 3000 अप्रोक्स 3000 प्लस पदों पर ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि इसका जो फाइनली सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है भाई, रिटर्न में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन का चांसेस बनने वाला है। और आप सभी को मैं फिर से बता देता हूं अगर आप तैयारी कर रहे हेड कांस्टेबल या किसी भी ट्रेड्समैन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही बेस से आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, तो आज ही आप वर्दी बेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको आल सब्जेक्ट की क्लासों के साथ ही पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आप शॉर्टली हर चीज को पढ़ सकते हैं, साथ ही आप लोगों को बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया गया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, उसके साथ ही जीके के भी सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ ही पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक कवर किए गए मात्र 299 रुपए में। आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करके जो आपका सपना है सीआरपीएफ में भर्ती होने का वो पूरा कर सकते हैं, तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स आपका सीआरपीएफ में तो काम आएगा ही, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी आएगा, और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में और सीआईएसएफ फायरमैन सभी में काम आने वाला है, क्योंकि लगभग सभी का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।